ये है हम, एक मिडिल क्लास फैमिली के एक आम इंसान, और ये है जीरोधा के फाउंडर बिलियनर निखिल कामत। अब जस्ट इमेजिन, हम दोनों 2023 में 1,00,000 रुपए बैंक में रखते हैं, तो निखिल कामत का 1,00,000 रुपया अगले 30 सालों में 66 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ एक नॉर्मल मिडिल क्लास इंडियन के पास रखा 1,00,000 रुपया नेक्स्ट 30 सालों में सिर्फ 2,50,000 में कन्वर्ट होगा। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग 4 में से 3 मिडिल क्लास इंडियंस अपने 100% पैसे सेविंग अकाउंट में रखते हैं, यानी वो इतने सुस्त हैं कि उसकी FD भी नहीं बनाते, और इसीलिए इन्हें सिर्फ 2.5% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। वहीं दूसरी तरफ निखिल कामत जैसे लोग अपने पैसों को बैंक में रखने के बजाय कुछ इस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, जहां पर उन्हें मिनिमम 15% का इंटरेस्ट हर साल मिलता है। और अगर हम इन दोनों पाई चार्ट को साथ में देखें, तो जहां पर मिडिल क्लास आम आदमी अपने पैसों को फिक्स्ड डिपॉजिट तक में नहीं डाल रहा, वहीं निखिल कामत जैसे लोग 85% रुपए इक्विटी और डेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जहां उन्हें काफी ज्यादा रिटर्न्स मिलते हैं। दरअसल एक आम मिडिल क्लास अगर अपने पैसों को बैंक में रख रहा है तो ये एक तरह का ट्रैप ही है, और इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि हम निखिल कामत की तरह अपने पैसों को कैसे ग्रो कर सकते हैं। इंडियन मिडिल क्लास सेविंग के अलावा सिर्फ 3 चीजों में पैसे इन्वेस्ट करती है, FD, PF और गोल्ड। और आपको पता ही होगा कि हमारे पेरेंट्स भी अगर हम थोड़े से पैसे कमा रहे हैं तो वो हमें बोलते हैं, बेटा थोड़े पैसे FD में डाल दे। RBI के एक सर्वे भी बताता है कि इंडिया में 95% हाउसहोल्ड्स इन्वेस्टमेंट के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट को ही प्रेफर करते हैं। इसके साथ ही कुवेरा का एक सर्वे बताता है कि इंडिया FD को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि ये इमरजेंसी के लिए एक सेफ और गारंटीड इन्वेस्टमेंट होती है, जिसमें डिपॉजिटर्स को 5 से 7% के एनुअल रिटर्न्स मिलते हैं, और ये पैसे वो एक स्मॉल पेनल्टी देके कभी भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप 1,00,000 रुपए 2 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं 6% इंटरेस्ट रेट वाली FD में। अगर किसी रीजन की वजह से 1 साल के बाद आपको ये अमाउंट निकालना पड़ता है तो अब आपको 1% की पेनल्टी पड़ेगी और आपका फाइनल अमाउंट होगा 1,05,000 रुपए। और लोगों के FD प्रेफर करने का दूसरा रीजन ये भी है कि FD में इन्वेस्ट करने का प्रोसेस हमारे नॉर्मल मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत ही सिंपल और कन्वीनियंट है। यानी अगर हमें ऑनलाइन FD बनानी हो तो इसके लिए मैक्सिमम 2 मिनट लगेंगे। FD के साथ ही काफी मिडिल क्लास लोग प्रोविडेंट फंड्स में भी अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, जो कि एक तरह का रिटायरमेंट या इमरजेंसी फंड होता है, जिसमें सैलरीड गवर्नमेंट्स और प्राइवेट इंप्लॉयज हर महीने अपनी सैलरी का एक पार्ट इन्वेस्ट करते हैं और इसमें उन्हें 7 से 8% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। और गवर्नमेंट इंप्लॉयज तो अपने प्रोविडेंट फंड में रखे पैसों को लेकर काफी प्राउड भी फील करते हैं। जैसे कि जब मैं गवर्नमेंट जॉब में था तो मेरे साथ में एक जूनियर इंजीनियर थे और उन्होंने रिटायरमेंट के वक्त डॉटर की वेडिंग के लिए ऑलमोस्ट 10,00,000 रुपए खुद के प्रोविडेंट फंड से निकाले और वो अपनी इस इन्वेस्टमेंट से बहुत खुश थे। इनफैक्ट CMIE का एक डेटा के अकॉर्डिंग प्रोविडेंट फंड्स लोअर और मिडिल क्लास लोगों में हमेशा से पॉपुलर रहे हैं, बट सरप्राइजिंग बात तो यह है कि रिसेंट टाइम में इवन रिच कैटेगरी के लोग में भी प्रोविडेंट फंड की पॉपुलैरिटी इंक्रीज हो रही है। FD और प्रोविडेंट फंड के अलावा मिडिल क्लास लोग अपने पैसे गोल्ड खरीदने के लिए भी यूज करते हैं। इनफैक्ट पिछले 10 साल में गोल्ड के प्राइजेस कुछ इस तरीके से इंक्रीज हुए हैं, और पिछले सिर्फ 1 साल में 10 ग्राम गोल्ड की कीमत 48,000 से 60,000 रुपए हो गई है। गोल्ड हमें सेफ और कंसिस्टेंट रिटर्न्स देती है, और गोल्ड खरीदना हमारे लिए सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं है बल्कि ये हमारा कल्चर भी है। जैसे कि दिवाली या धनतेरस में गोल्ड ज्वेलरीज खरीदने का रश इतना ज्यादा होता है कि ज्वेलरी शॉप्स कुछ इस तरीके से दिखती हैं, जहां पर पैर रखने की जगह भी नहीं होती। और अगर हमें लगता है कि गोल्ड तो ज्यादातर अपर क्लास लोग ही खरीदते हैं तो हम बिल्कुल गलत हैं। इंडियन गोल्ड पॉलिसी सेंटर के एक सर्वे के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा गोल्ड अपर क्लास के लोग नहीं खरीदते बल्कि लोअर और मिडिल क्लास के लोग खरीदते हैं। अब काफी मिडिल क्लास लोगों की इन्वेस्टमेंट स्टोरी तो यहीं खत्म हो जाती है, बट हाल ही में आई इस गवर्नमेंट रिपोर्ट को अगर हम देखें, पिछले 10 सालों में इंडिया में इनकम टैक्स भरने वाले लोगों की तादाद 3 गुना से इंक्रीज हुई है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि इंडिया में लोगों की इनकम ग्रो हुई है और वो इस इनकम को सिर्फ सेविंग अकाउंट में या FD में नहीं रखना चाहते बल्कि वो इसे इंडेक्स फंड और इक्विटी में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं। दरअसल इंडेक्स फंड में हम इंडियन शेयर मार्केट में टॉप 50 स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, और जैसे जैसे ये स्टॉक ग्रो करते हैं उसके साथ ही इंडेक्स फंड की वैल्यू भी ग्रो करती है, और इन टॉप 50 कंपनीज में डूबने के चांसेस बहुत ही मिनिमम होते हैं, क्योंकि अगर एक भी कंपनी की मार्केट वैल्यू कम हुई तो जो 51st नंबर वाली कंपनी है वो टॉप 50 में आ जाएगी और हमारे पैसे ऑटोमेटिकली उसी में ही इन्वेस्ट हो जाएंगे। इवन वॉरेन बफेट का भी यही मानना है कि इंडेक्स फंड्स रिटायरमेंट के बाद के लिए एक सेफ और अच्छी इन्वेस्टमेंट है। अब अगर हम इस डेटा को देखें तो इंडेक्स फंड हमें लॉन्ग टर्म में 10 से 15% का एनुअल रिटर्न तो डेफिनेटली दे ही देता है, बट एक ऑर्डिनरी मिडिल क्लास इन्वेस्टर के लिए इसमें रिस्क है। जैसे कि अगर हम यहाँ निफ्टी इंडेक्स को देखें तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 2020 में जब कोरोना आया था
तो मार्केट कुछ इस तरीके से अचानक क्रैश हो गई थी और इसमें इन्वेस्टर्स को ऑलमोस्ट 40% का लॉस हुआ था। ऐसी सिचुएशंस में कई नॉर्मल इन्वेस्टर्स पैनिक करके अपनी इन्वेस्टमेंट को लॉसेस में बेच देते हैं, बट इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स यहां अपने पैसे निकालते नहीं हैं, बल्कि वो मार्केट में और इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि मार्केट जब रिकवर होगी तो उन्हें और भी ज्यादा प्रॉफिट होगा। जैसे कि वेल नोन इन्वेस्टर मिस्टर शाह ने 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का फायदा उठाया और सस्ते प्राइसेस में कई अच्छी कंपनी के स्टॉक्स खरीदे, जिससे उन्हें बाद में करोड़ों रुपए का फायदा हुआ। बट हमें से कई लोग जहां शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके रिच तो बनना चाहते हैं, बट हम ये भूल जाते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट तभी कर सकते हैं जब हमारी अर्निंग्स बढ़ेगी, ताकि इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास ज्यादा से ज्यादा वेल्थ भी हो। अगर हम रॉबर्ट कियोसाकी की बात करें तो वो EBSI का ये क्वाड्रेंट देते हैं और इसमें वो कहते हैं कि पैसे कमाने के दो तरीके हैं, या तो खुद का धंधा खोल दो बी, या फिर आय यानी दूसरे के धंधे में पैसे डाल दो। अब हमें से मैक्सिमम लोग जो जॉब कर रहे हैं वो बी नहीं कर सकते क्योंकि इसमें जो हसल है वो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, लेकिन दूसरे के बिजनेसेस में हम पैसे डाल सकते हैं, एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा डालना ट्राई कर सकते हैं, यानी कि आय। बट हमें से काफ़ी लोगों में कन्फ्यूजन है कि इन्वेस्ट करने का सही तरीका क्या है, तो इसके लिए हम दो फेमस इंडियन इन्वेस्टिंग मॉडल्स देखेंगे, जिनमें सबसे पहला मॉडल है विजय केडिया जी का, जो कि बेस्ड है स्माइल प्रिंसिपल। इससे पहले कि हम इनका इन्वेस्टमेंट तरीका देखें, इनकी स्टोरी भी बहुत इंस्पायरिंग है। मेरे पास में मेरे लड़के के लिए 14 रुपया का दूध का डब्बा खरीदने के लिए नहीं था मेरे पास। साथ ही वो ये भी बताते हैं कि जब वो 14 साल के थे तभी उनके फादर की डेथ हो गई थी और उन्हें एक छोटे से कमरे में 6 लोगों के साथ रहना पड़ा था। जब उन्होंने 19 साल की एज में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू किया तो उन्हें काफी लॉसेस भी हुए और एक बार तो सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी कि उन्हें अपनी माँ के गहने तक बेचने पड़े थे। बट जो विजय केडिया जी, जिनके पास एक बार 14 रुपए भी नहीं थे, आज उनकी नेटवर्थ 800 करोड़ रुपए है और वो काफी लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है। बट यहां तक पहुंचने के लिए विजय केडिया जी ने कोई 15-20 टेक्निक यूज नहीं करी, उन्होंने सिर्फ एक प्रिंसिपल यूज किया और वो है स्माइल प्रिंसिपल, जिसका फुल फॉर्म है स्मॉल इन साइज, मीडियम इन एक्सपीरियंस, लार्ज इन एस्पिरेशंस और एक्स्ट्रा लार्ज इन टर्म्स ऑफ मार्केट पोटेंशियल। इसमें विजय केडिया जी स्मॉल और मीडियम साइज की कंपनीज को चूज करते हैं जिसकी मैनेजमेंट के पास अप्रोक्सीमेटली 15 या 20 साल का मीडियम एक्सपीरियंस है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके अकॉर्डिंग 15 से 20 साल का जब एक्सपीरियंस एक मैनेजमेंट को होता है तो वो अपने कंपनी को एक बार अच्छे टाइम में और एक बार बुरे टाइम में कंट्रोल कर चुकी होती है, इसलिए वो आगे भी अपनी कंपनी को कंट्रोल कर सकती है। साथ ही ये भी इम्पोर्टेंट है कि कंपनी के एस्पिरेशन और गोल भी बड़े हों, क्योंकि विजय केडिया जी का ये भी मानना है कि अगर एक कंपनी फ्यूचर में बहुत बड़ी नहीं बनेगी तो उसके इन्वेस्टर्स भी पैसे कैसे कमाएंगे। और लास्ट में विजय केडिया जी यहाँ ये भी बता रहे हैं कि कंपनी के पास वैसे ग्रोइंग मार्केट भी होनी चाहिए। उसका मार्केट साइज वो 5,000 करोड़ का या 20,000 करोड़ का और वो बैठा आज के दिन 500,000 करोड़ में, तो उसके लिए नापने के लिए पूरा समंदर है। और इसी सिंपल मॉडल को यूज करके विजय केडिया जी ने ACC, अतुल ऑटो और LIC हाउसिंग जैसे शेयर्स खरीदे, जिसमें उन्होंने 10 गुना से लेके 100 गुना तक पैसे बनाए। अब इसका मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। एक कंपनी है जिसका नाम है फेंटम डिजिटल इफेक्ट्स लिमिटेड, ये VFX का काम करती है। अगर आपने ये एवेटार या फिर सारी आयरन मैन मूवीज देखी हैं तो उसमें सारा VFX का काम हुआ था। और इसमें हम अब विजय केडिया जी का एल्गोरिदम लगाते हैं, S यानी स्मॉल, तो ये स्मॉल इन साइज है, ये सिर्फ 600 करोड़ की कंपनी है। अब 600 करोड़ हमें सुनने में बड़ा लग रहा है, लेकिन कंपनीज के केस में ये बहुत ही छोटी कंपनी है। सेकेंड इज M यानी इसकी मैनेजमेंट, इसके जो फाउंडर है वो है मिस्टर बिजॉय, जिनको 12 साल का एक्सपीरियंस है, हम ये देख सकते हैं इनके लिंक्डइन के प्रोफाइल से। इसके बाद आता है L यानी लार्ज इन एस्पिरेशंस। अगर आप मिस्टर बिजॉय के इंटरव्यू देखेंगे या फिर उनकी अर्निंग कॉल्स देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत ही इंस्पायर्ड है, यानी इनके एम्बिशन जो है वो बहुत बड़े हैं, क्योंकि ये जो कहने कि मैं डिज्नी जितना बड़ा बनना चाहता हूं। फाइनली आता है E यानी एक्स्ट्रा लार्ज इन मार्केट। इस चीज को क्वांटिफाई करने के लिए हम एक कंपनी को देख सकते हैं जिसका नाम है प्राइम फोकस। प्राइम फोकस की सब्सिडियरी कंपनी है DNEG और ये जो कंपनी है वो 400 से 500 मिलियन डॉलर्स का बिजनेस करती है हर साल। इन शॉर्ट, फेंटम के लिए मार्केट जो है वो बहुत बड़ी है। अब ये जो मिस्टर केडिया जी का एल्गोरिदम है ये न्यू इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, यानी रिस्की है। ऐसा क्यों है, इसका मैं अगेन आपको एग्जांपल देता हूं। ये दो आप स्क्रीनशॉट्स देखिए, ये जो पहला स्क्रीनशॉट मैंने लिया था इसमें आप देख सकते हो कि जो डिमांड है सारे शेयर्स की वो बहुत ज्यादा है, यानी खरीदने वाले लोग हैं लेकिन बेचने वाला कोई नहीं है। अब ये देख के ऐसा लगता है कि वाओ यार, अगर मैंने इसके शेयर्स खरीद लिए होते तो मैं इसको कभी भी बेच सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है। अब आप इसका दूसरा स्क्रीनशॉट देखिए, इसमें हम देख सकते हैं कि 3 दिन के बाद ही गेम चेंज हो गई, यहाँ पर सारे बेचने वाले लोग हैं और खरीदने वाला कोई नहीं है। यानी अगर आपने शेयर्स खरीद लिए होते तो आप इसको बेच पाओगे कि नहीं,
ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन मिस्टर विजय केडिया जी बहुत बड़ी चीजें करना चाहते हैं, तभी उनका 800 करोड़ का पोर्टफोलियो भी है। बट आई होप यू गॉट द आइडिया कि जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ये जो प्रोसेस है वो थोड़ा रिस्की है, और इसीलिए हमारे पास आता है सेकंड मेथड, जो कि है रामदेव अग्रवाल जी का। रामदेव अग्रवाल जी मोतीलाल ओसवाल के चेयरमैन और को फाउंडर है, जो कि विजय केडिया जी की तरह ही एक सिंपल मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं। उन्होंने 1987 में अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करी, और इसके बाद सिर्फ कुछ ही सालों में उन्होंने जीरो से स्टार्ट करके 30 करोड़ रुपए बना लिए। बट 1990 में हर्षद मेहता स्कैम में उन्हें बहुत बड़ा लॉस हुआ। इसके बाद 1994 में रामदेव अग्रवाल जी की मीटिंग हुई वॉरेन बफेट से, जिसके बाद उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट अप्रोच को ही पूरी तरह से बदल दिया और वो क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर फोकस करने लगे। और यहीं पर उन्होंने QGLP नाम के मॉडल को बनाया। QGLP का फुल फॉर्म है क्वालिटी ग्रोथ लॉन्जिविटी एंड प्राइस। क्वालिटी का मतलब है क्वालिटी ऑफ बिजनेस एंड क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। रामदेव जी का कहना है कि जिस कंपनी का बिजनेस और मैनेजमेंट दोनों अच्छे हैं वो अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले में हमेशा बेटर परफॉर्म करेगी। और मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस की बात उन्हें तब रियलाइज हुई थी जब उन्होंने फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के शेयर्स 1150 रुपए में खरीदे, बट इसमें उन्हें 90% का लॉस हो गया। ग्रोथ से रामदेव अग्रवाल जी का मतलब है ग्रोथ इन अर्निंग्स, यानी हर साल उस कंपनी के प्रॉफिट इंक्रीज हो भी रहे हैं कि नहीं। किसी भी कंपनी को चूज करने के लिए हमें उसकी फ्यूचर की अर्निंग को प्रिडिक्ट करना पड़ता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो कंपनी अपनी अर्निंग्स और प्रॉफिट को रेगुलरली इंक्रीज करेगी उसके शेयर के प्राइस भी ऑटोमेटिकली ग्रो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल रामदेव जी बताते हैं कि HDFC बैंक 1995 में 13 करोड़ रुपए के प्रॉफिट्स बनाती थी, बट साल दर साल वो अपने प्रॉफिट्स लगातार इंक्रीज करते रही एंड आज यही कंपनी 40,000 करोड़ रुपए तक के प्रॉफिट भी अर्न करती है। साथ ही रामदेव जी के अकॉर्डिंग किसी भी बिजनेस की लॉन्जिविटी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी कि उसकी ग्रोथ है। लॉन्जिविटी का मतलब है कि कंपनी और कितने साल तक चलेगी, और इसे फाइंड करने का एक तरीका है कि ये देखो कि वो पिछले कितने सालों से ऑलरेडी चली आ रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बिजनेस पिछले 30 या 40 साल तक चल रहा है तो वो अपने मोमेंटम और मैनेजमेंट की वजह से अगले 30 से 40 साल तक भी चल सकता है। रामदेव जी यहाँ पर जुबिलेंट फूडवर्क का एग्जाम्पल देते हैं, जो इंडिया में डोमिनोज पिज्जा के ओनर हैं। ये कंपनी पिछले 60 साल से भी ज्यादा समय से नंबर वन रही है, और रामदेव जी के अकॉर्डिंग डोमिनोज नेक्स्ट 50 से 60 साल भी चल सकती है। लास्ट क्राइटेरिया है प्राइस, और इसमें हमें किसी भी कंपनी को उसकी प्राइस देखकर नहीं बल्कि रियल वैल्यू देखकर खरीदना है। रामदेव अग्रवाल जी बताते हैं कि इंफोसिस टाटा रिलायंस जैसे शेयर्स के प्राइस ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट उनकी वैल्यू हमेशा कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होती रहेगी। और मार्केट में ऐसा कई बार होता है कि किसी वैल्यूएबल स्टॉक की कीमत 100 से गिरकर 50 की भी हो सकती है, भले ही उसकी रियल वैल्यू 150 रुपये हो। अगर हम हाई वैल्यू स्टॉक को आइडेंटिफाई करें और उसे कम से कम वाले डिस्काउंटेड प्राइस में खरीदें तो हम भी शेयर मार्केट में काफी प्रॉफिट कमा सकते हैं। अभी तक हमने मिडिल क्लास पर्सपेक्टिव से इन्वेस्टिंग को समझने की कोशिश की और ये जानने की कोशिश करी कि हम बैंक में पैसे रखने के बजाय उसे FD, गोल्ड या PF जैसे ट्रेडिशनल एसेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर उसे भी बेटर ये होगा कि हम इन्वेस्टिंग के बारे में सीखें और इंडेक्स फंड और इक्विटी मार्केट्स में आएं। बट ये सब करने से पहले भी हमें 3 चीजें पता होनी चाहिए। 1, सबसे पहले तो हमें अपनी ओवरऑल इनकम बढ़ानी है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पॉडकास्ट गेस्ट शुभम भी बता रहे हैं कि हमें अपनी करियर की शुरुआत में ज्यादा से ज्यादा अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए एनर्जी देनी चाहिए। अगर आप शुरू में एक स्टार्टिंग सैलरी आपकी 3 लाख पर एनम है, विच इज नॉर्मल सैलरी फॉर एनी पर्सन, राइट, और वहां से आप जो है एक जंप लेके किसी प्रोडक्ट कंपनी में जा रहे हो या फिर अपने करियर में एडवांस कर रहे हो, मे बी आपने एक पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ले ली, राइट, तो वहां पे जो है पैकेज अचानक से 12 लाख 15 लाख इज अ नॉर्मल पैकेज जो आपको लग सकता है। शुरू में जो ROI है वो आपका पर्सनल जो आपका डेवलपमेंट है उसमें बहुत ज्यादा है। अब अगर हम वीडियो के बिगनिंग वाले पाई चार्ट को फिर से देखें तो इस पैसे में से हमारे पास हार्डली ही कुछ बचता है जिसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, और हमारे पास इन्वेस्ट करने लायक डिस्पोजेबल इनकम तभी आएगी जब हम अपनी इस इनकम को इंक्रीज करेंगे और इसे कम से कम 11-12 लाख रुपए पर एनम तक लेके जाएंगे। इस पॉडकास्ट से आपको फिनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड और भी कई लर्निंग्स मिलेंगी जिसे आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। सेकंड, जैसे कि हमने देखा इंडिया में 70% से भी ज्यादा लोग अपने पैसे ऐसे ही सेविंग अकाउंट में पड़े रहने देते हैं और इसको कभी भी इन्वेस्ट ही नहीं करते, इवन FDs भी नहीं बना रहे। और अगर हम अपनी वेल्थ इंक्रीज करते हैं तो हमें इस पैसों को आइडल रखने के बजाय इसे किसी और एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। लास्टली, हमें यह भी नहीं करना है कि हम अपने सारे पैसे बैंक में रख रहे हैं या फिर सिर्फ इंडेक्स फंड या फिर इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट,
हम इन सब फिनेंशियली इंडिपेंडेंट लोगों से सीख सकते हैं कि ये किस तरीके से कर रहे हैं, और फिर अपनी सिचुएशन को एनालाइज करके हम देख सकते हैं कि कितने परसेंट हम एक्विटी में डालना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर के काम आ सकती है, तो ये वीडियो आप उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। स्पेशली जो आपका व्हाट्सएप में फैमिली ग्रुप है या फिर फ्रेंड्स का ग्रुप है, उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि वो समझ पाए कि उनको अपनी जो जर्नी है वो कैसे कंप्लीट करनी है। एनीवेज दोस्तों, अगर आप इस नॉलेजबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते, तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद। यूट्यूब सब्सक्राइबर्स हैं, उन्हें ये नहीं पता कि हम यूट्यूब में एक प्रीमियम मेंबरशिप प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी आप यहाँ पर इसे ज्वाइन करते हैं, तो आपको 3 कोर्सेज मिलेंगे एंटर करते ही। पहला है डिजिटल मार्केटिंग कॉपीराइटिंग कोर्स, जो कि 4.5 घंटे का है। उसके बाद ChatGPT और स्टेबल डिफ्यूजन कोर्स, और फाइनली YouTube कोर्स प्रीमियम मेंबर्स के लिए, जिसमें स्क्रिप्ट राइटिंग है। इसमें ये भी बताया गया कि किस तरीके से हम थंबनेल बनाते हैं एंड सो ऑन। इसका अगर प्राइस देखें तो वो कुछ इस तरीके से है, ₹159 per month। ये इतना चीप हम इसलिए प्रोवाइड कर पा रहे हैं क्योंकि इस अमाउंट में से जो YouTube है वो अप्रॉक्सीमेटली 45% ले लेता है, बाकी ₹90 जो है वो हमें मिलते हैं। लेकिन इसके बदले हमें कोई टेक्निकल टीम मैनेज नहीं करनी पड़ती, तो हमारे अकॉर्डिंग सबसे अफोर्डेबल एजुकेशन है जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, तो आप इसे मेंबरशिप को ले सकते हैं, और हर महीने हम इसमें एक कोर्स ऐड करते रहते हैं। थैंक यू सो मच।